मर्दों ने एक लड़की क्या देख ली, बस लट्टू हो गए। ओ अनीता जी कह रही थी हमारे पड़ोस में जो नई लड़की आई है ना, ओ जब से आई है तब से सारे मोहल्ले के मर्द उसके पीछे 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 जा रहे हैं, लेकिन भरभूती जी उसको आंख उठाकर देख भी ना ही रहे हैं। वैसे आप बहुत दिलचस्प करते हैं बातें। खैर आप तो भभूती जी के साथ दोस्ती कीजिए। जरूर जरूर, आप उन्हें इतना बेच रहे हैं, मैं जरूर खरीदूंगी। अब निकालेंगे हम भभूती जी की शराफत का जनाजा, जिसके बीज हमने अभी अभी बो दिए हैं। ये लीजिए अंगूर जी, कॉफी पीजिए। बातें अंगूरी जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अनीता जी हम कहाँ बताएं, कहाँ बताएं, हम बहुत टेंशन आए हैं। क्या हुआ, क्या बात हो गई? अनीता जी वो जो लड्डू के भैया है ना, लड्डू के भैया, वो आपको छोड़ के किसी और के साथ निकल लिए क्या? क्या बात कर रहे हैं भरभूती जी आप, व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तिवारी जी का चाल चलन ध्यान में रख के ही बोल रहा हूँ। अंगूरी जी आप वो छोड़िए, आप मुझे बताइए, खुलकर बताइए, साफ साफ बताइए, बात क्या है? अनीता जी लड्डू के भैया है ना। अभी जी बोलिए क्या हुआ, टेल मी, यू टेल मी, भाभी जी मुझे बताइए क्या हुआ, प्लीज बताइए। लड्डू के भैया। हाँ क्या किया लड्डू के भैया ने, व्हाट हैज ही डन दिस टाइम, आई वांट टू नो। लड्डू के भैया। हाँ हाँ लड्डू के भैया ने क्या किया, व्हाट हैज ही डन, आई जस्ट वांट टू नो, मुझे बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ व्हाट, लड्डू के भैया ने क्या किया, टेल मी। उनको बोलने दोगे तो वो बोलेंगी ना। डार्लिंग मैं कहां रोक रहा हूं उनको, खुद ही लड्डू के भैया के आगे नहीं बढ़ रही हैं। प्लीज बोलिए, आप बोलिए प्लीज। लड्डू के भैया वो एयर होस्टेज के साथ। एयर होस्टेज? अभी जी इट्स एयर होस्टेस, सही पकड़े हैं। आओ उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं घर पे, हमरे इतने इतने कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहन के आई है वो। अभी जी इसका मतलब साफ है कि लड्डू के भैया उस एयर होस्टेस के साथ सेट हो गए। अका सेट हो गए हैं? मेरा मतलब है उसके पीछे लग लिए हैं। आई कहाँ कह रहे हैं भरभूती जी आप? विपु ये तुम कैसी वाहियात सी बातें कर रहे हो, कुछ भी उनके दिमाग में डाल रहे हो। तनी क्या करूं, जब भी मैं किसी सीधी सादी औरत के ऊपर जुल्म होता हुआ देखता हूं ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मेरी आत्मग्लानी मुझे कचोटती है, धिक्कारती है, मेरा खून खौलने लगता है। क्या औरत इस दुनिया में सिर्फ मर्दों का अत्याचार सहने के लिए आई है? नाउ नेवर, औरत को अपनी आवाज उठानी चाहिए। दे शुड रेज योर वॉइस। सॉरी। हाँ भरभूती जी आप क्या बात कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में ना ही आ रहा है। अल्लाह के भैया ऐसे ना ही है, हमको ही कुछ गलत फहमी हो रही है। अंगूर जी आप टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स कीजिए, आइए मेरे साथ आइए। अभी जी अगर लड्डू के भैया के बारे में आपकी जो गलत फहमी है, मैंने उसे हकीकत में ना बदल दिया तो मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा नहीं। हाय 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 हैंडसम। हेलो, माय सेल्फ पम्मी, पम्मी लियोनी। इस गरीब को विभूति कहते हैं, विभूति नारायण मिश्रा। गरीब? मुझे तो आप किसी एंगल से गरीब नहीं लगते हैं। वो आप सामने मकान देख रही हैं जी, वो मनमोहन तिवारी जी का है, वो बहुत रईस आदमी, करोड़पति हैं, लेकिन लगते नहीं। उसी तरह मैं भी गरीब हूँ लेकिन लगता नहीं। आप बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं। दिलचस्प तो आप हैं जिन्हें हमारी बोरिंग बातें अच्छी लग रही हैं। दिलचस्प से याद आया, हमारे तिवारी जी जो है ना, बहुत दिलचस्प आदमी है। जब वो बातें करते हैं लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों, और जब वो हंसते हैं लगता है जैसे जैसे कि वो शहद टपक रहा हो, और शक्ल बकरे की तरह। आप उनकी क्यों कर रहे हैं इतनी तारीफ? एक्चुअली आपको देख के मुझे लग रहा है कि
आप तिवारी जी के स्टाइल की हैं, उनके मिजाज की हैं, जिस साथी की उन्हें सदियों से तलाश थी लगता है आप पे वो तलाश खत्म हो गई, जिसके वो ख्वाब देखते थे लगता है कि वो ख्वाब आप हैं। क्यों, क्या नहीं हुई है उनकी शादी? हो गई है उनकी शादी, लेकिन हुआ नहीं कुछ फायदा। फायदा मतलब? एक्चुअली तिवारी जी जो है ना बड़े मॉडर्न स्टाइल के आदमी हैं, मॉडर्न ख्यालात के आदमी हैं, और जो उनकी बीवी हैं वो गांव की हैं, देहात की हैं। I'm sorry भाभी जी, मैं आपके लिए ऐसी बातें कर रहा हूं, but I can't help it. I'm sorry. कुछ कहा आपने? एक्चुअली मैं कह रहा था कि अगर आप जैसी लड़की, मॉडर्न लड़की तिवारी जी की लाइफ में आ जाए तो तिवारी जी क्या बड़े अधूरे हैं, वो आपको पाके पूरे हो जाएंगे। तिवारी जी, आपके किरदार की उजली चादर को हमने भी बदनामी के कीचड़ में ना लथाड़ा ना तो हमारा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। एक्सक्यूज मी, बाय। खिलाड़ी बड़े दिलचस्प हैं, मजा आएगा इनके साथ खेलने में। करेला के साथ या? अरे अंगूरी जी, क्या हो रहा है, सब्जियां खरीद रहे हो आप? हाँ, हम करेला बना रहे हैं, बरवा करेला। लड्डू की भैया को बहुत पसंद है ना? हेलो गाइस। हाय। हेलो। चल जी, चल। अरे हेलो पम्मी मैडम। नमस्ते। ये कौन है अप्पू जी? अरे जे मोहल्ला के अपनी ऐसे ही भुकटिया हैं, सारे दिन भर चोरी चकारी करते हैं, हमने धर दबोचो। अकेले हमने। लेकिन मुझे तो ये शरीफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम ही से भूल चूक हो गई हुए हैं। ये आइटम के चक्कर में अप्पू सिंह ने अपने नौ नौ ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी तक को दांव पे लगा दिया है। ये अप्पू सिंह गलत पुलिस की नौकरी में आ गया है, इसको तो वॉचमैन होना चाहिए, शक्ल से भी वॉचमैन ही लगता है। निक्रो महाराज, मैडम बोल रही है शरीफ हो तो हो। थैंक यू मैडम, काश आप और खूबसूरत हो जाओ। हाँ शरीफ। चल निकलो यहाँ से। Boys, follow me. अरे मुंह चल रहे, पीछे रहो था ना। ये देखिए, ये शादी शुदा होने के बाद भी कैसे लड़की के पीछे पीछे कर रहे हैं दरोगा जी। वैसे अंगूरी जी, हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे हस्बैंड्स ऐसे नहीं हैं। हाँ हाँ नीता जी, सच कह रही है, लड्डू के भैया भी हमारे अलावा किसी और को देखती भी नहीं है। भाभी जी की नजर में बहुत बड़े हीरो हैं ना। मैंने भाभी जी की नजर में आपकी इमेज फिल्मों के शक्ति कपूर या रंजीत की तरह ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। और मेरा विभु, वो तो मेरे अलावा किसी के ऊपर नजरें उठाकर भी नहीं देखता। भाभी जी के आपके बारे में जो ख्यालात हैं वो बहुत जल्द बदल जाएंगे विभूति जी। हेलो हेलो, मे आई स्पीक टू विभू प्लीज? व्हाट आई सेड, क्या मैं कर सकती हूँ बात विभू के साथ? एक्सक्यूज मी, विभू इज माय हस्बैंड, उसको विभू सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ। किसने हक दिया आपको बाय द वे? क्यों, क्या आपने खरीद रखे हैं राइट्स विभू नाम के? द हेल आर यू टॉकिंग, आप बोल कौन रही हैं? मैं बोल रही हूँ एक लड़की। आप लड़की बोल रही हो या कोई भी बोल रही हूँ? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, विभू के पूरे राइट सिर्फ मेरे हैं। अरे भाई, किससे झगड़ा कर रही हो? अरे विभू देखो ना, पता नहीं कौन लड़की बोल रही है जो तुम्हें विभू विभू कह रही है, और जब मैं इस बात की मुखालफत कर रही हूँ तो बोल रही है कि तुम्हारे पास है क्या सारे राइट्स? उसकी इतनी हिम्मत, इधर लाओ फोन, गिव इट टू मी। हेलो, कौन मोहतरमा उस जानिब जो हमसे इस कदर बेसाख्ता बेतकल्लुफ हुआ चाहती हैं? विभू, यहाँ कोई मुशायरा नहीं चल रहा है जो तुम खामखा इतने सलीके से बात कर रहे हो। पूछो कौन बदतमीज है।
कौन बदतमीज बोल रही है? हेलो विभूति जी, मैं बोल रही हूँ पम्मी, पम्मी लियोनी। दीदी 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 दीदी, हाँ ये दीदी है। कौन बन गई तुम्हारी दीदी? ये अपनी वाली दीदी है, पड़ोस वाली दीदी, पड़ोस वाली। पड़ोस वाली मतलब अंगूरी जी? क्या बात कर रही हो यार, are you mad? अंगूरी जी तो भाभी जी है यार, वो दीदी कैसे हो सकती है? ये पम्मी दीदी है। पम्मी कब से तुम्हारी दीदी बन गई? अभी से ही। अभी से? हाँ? मतलब एक्चुअली क्या है कि जब जब मैं इनको देखता हूँ ना, तो मुझे इनमें अपनी बहन नजर आती है। She has a very बहनजी टाइप फेस। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कैरी ऑन। मैं यहीं बैठी हूँ, बोलो। हाँ दीदी। लगता है तुम्हारी बीवी के सामने उड़ जाते हैं तोते। हिटलर के भी उड़ जाते होंगे तोते। एनीवेज, अच्छा जरा घर आओ ना, मुझे तुमसे करनी है कुछ जरूरी बात, मनमोहन तिवारी जी के बारे में। एक्चुअली वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें तुम्हारा जीजा बनाना चाहती हूँ। क्या क्या? दीदी आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ट्रस्ट मी, बहुत कमाल फैसला लिया आपने। वो ऐसा आदमी है कि अगर आप चिराग लेके ढूंढेंगे ना, तब भी नहीं मिलेगा। बिकॉज ऐसे आदमी बनना बंद हो गए आजकल, ये तो पुराना वक्त के चल रहा आदमी है। बट दीदी आपने बहुत सही फैसला लिया, बहुत सही फैसला लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आओ ना। बस मैं भी आया, अभी आया। गॉड विबो। मैं जान सकती हूँ क्या बातें हो रही थी? एक्चुअली दीदी को ना एक लड़का पसंद आ गया, उसी बारे में मुझसे बात करना चाह रही थी, राय मशवरा लेना चाह रही थी। लड़का? कौन सा लड़का? है एक लड़का, यहीं आसपास रहता है। तुम जानते हो उसको? यार तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे यार, कम ऑन। पूछूंगी, ऑफ कोर्स पूछूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा बेतुका सा रिश्ता ना हजम नहीं हो रहा है। यार तुम मुझ पे शक कर रही हो, मुझे से आदमी पे शक कर रही हो? कम ऑन यार, मैंने तुम्हारे सामने उसको दीदी बोला, और कितनी बार दीदी बोला, बार बार दीदी बोला, कम ऑन यार। हाँ, लेकिन उसने मेरे सामने तुम्हें फिफू फिफू बोला। यार अगर कोई बहन अपने भाई को विभू बुलाती है तो क्या बुराई है उसमें यार? क्या, कौन सी आफत आ गई यार? आफत आ गई क्योंकि तुम्हें विभू सिर्फ मैं बुला सकती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें विभू बुलाने की? I'm sorry, I'm really sorry. मैं से कहूंगा कि तुम्हारे सामने मुझे विभू ना बुलाए बस। Excuse me, सिर्फ मेरे सामने? मतलब बन सके ना, I'm sorry, तुम्हारे सामने भी और तुम्हारे पीछे भी, ठीक है? Better, तुम्हारी सेहत के लिए। मेरे सारे राइट्स इनके पास हैं, कभी गलती से भी आप मुझे विभू मत बुला लीजिएगा, वरना ये यू नो। हाँ भैया राजपाल। हाँ, अरे वो रामगढ़ वाले पप्पू अग्रवाल से हमारी बात हो गई है, अब की बार गंगा जी की रेती को ठेका तुम्हीं को मिलेगा। अच्छा सुनो सुनो, तो ऐसो करियो 50,000 रुपया की निछावर करके तैयार रखियो बस। हैं? अरे तो हम देख, ए पीछे 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 पीछे, तुम ठहर जाओ, हम तुम्हें कर रहे हैं 2 मिनट में। कितने जा रहे हो भांजी के मामा हो? मम्मी मैडम से पूछने जा रहे थे कि उन्हें कोई सामान की जरूरत तो नहीं है। ना ना, जरूरत तो है, बिल्कुल है। वो कहा है कि पम्मी मैडम को बिल्ली के दूध की चाय पीनी है। तो जे का बात हुई, अब दूध के लिए बिल्ली कहाँ से ढूंढे? क्या बात है दरोगा जी, मैं देख रहा हूँ जब से लड़की मोहल्ले में आई है, आप इसके आस पास मक्खी की तरह भिनक रहे हैं। नहीं मतलब भिनक रहे को क्या मतलब होता है? कानून को काम है महिलाओं की सुरक्षा, जिम्मेदारी है हमारी। पूरे शहर में एक यही महिला बची है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तुम यार काय को दिमाग खराब कर रहे हो, करन दो ना ड्यूटी। आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं,
आप अपने बुझे हुए चूल्हे को हवा दे के सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, लकड़ियां गीली हैं। अरे विभूति भैया, जे बात आपने सही कही, जे ना एक नंबर के रसिया है। सारे बहुत जबान चल रही है तेरी आजकल, बकर बकर कर रहा हूं जब से। अरे वॉचमैन, ये शोर क्यों मचा रखा है? ऐसो है पम्मी मैडम, हम जो है वॉचमैन नहीं है, जब मोहल्ला के दरोगा हैं। दरोगा? I'm so sorry, दरोगा जी। ओ विभू, आप आ गए। चलिए मुझे आपसे कुछ बहुत प्राइवेट बात करनी है, चलिए अंदर। आपको जो बात करनी है कर लीजिए, I have no problem. बदमाश कहीं के। प्राइवेट बातें भला सबके सामने थोड़ा ना होती है, अकेले में होती। चलिए चलिए ना। अरे ये पम्मी तो भभूति जी को अंदर ले गई, अब मजा आएगा। अब हम भभूति जी की शराफत का पैजामा भाभी जी के सामने तार तार करके रख देंगे। दरोगा जी, अंदर जे कौन सी प्राइवेट बातें चल रही हैं? हमें का पतो, हम बाप हो रहे बाकी। वैसे बहुत गलत बात है विभूति भैया की, खुद शादीशुदा है के ये लड्डू को पक रहे हैं और हम कुंवारे है के भी तरस रहे हैं। ऐसा है बेटा टीका, जौन पेड़ पे आम लगे भय होते हैं ना, चिड़ैया आके वहीं बैठती हैं, और जो पेड़ तुम्हारे जैसे सूखे ठूठे होते हैं ना, बाबा बैठ के चिड़ैया बस एक ही काम करती हैं। कौन सो काम? चिड़ैया ने आके खुद ही बता दू। दरोगा जी, वैसे तुम और टीका दोनों ना एक ही कैटेगरी के है रे। एक बात बताओ मीनल, जैसे तेरा हस्बैंड है ना अनुराग, तेरे सामने डरता है, वैसे ही मेरा हस्बैंड विभू मेरे सामने थर थर कांपता है। और तू अफेयर की बात करी है, अरे उसकी तो किसी के ऊपर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। तिवारी जी, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। अरे डर तो हम गए हैं भाभी जी, ये सोच कर कि अब आपका क्या होगा। सुन मीनल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वो मेरे पड़ोसी आ गए। हाँ हाँ चल, ओके बाय। क्या कह रहे हैं तिवारी जी आप? क्या कहें भाभी जी, हमें तो हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे तो जब सूझ जाए तो बता दीजिएगा। एक मिनट भाभी जी, एक बात बताइए भाभी जी कि आप भभूति जी से कितना प्यार करती हैं? अरे ये आप अचानक से कैसा सवाल कर रहे हैं मुझसे? बताइए ना भाभी जी, हमें जवाब चाहिए, बताइए। तो अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मेरे दिल में विभू के लिए उतना ही प्यार है जितना सागर में पानी। माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन भभूति जी के दिल में आपके लिए चुल्लू भर भी प्यार नहीं है। क्या कह रहे हैं आप तिवारी जी? भाभी जी, भाभी जी, हम जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि यही कड़वा सच है। तिवारी जी, क्या कड़वा सच है बताएंगे आप? भाभी जी, आपके इनविजिबल सिंदूर पर डाका पड़ चुका है। क्या बकवास कर रहे हैं आप, किसी की हिम्मत जो मेरे सिंदूर पर डाका डाले? पम्मी लियोनी, देखिए विभू, मेरी वाइफ मुझे बुलाती है और विभू नाम पे उसका कॉपीराइट है, तो आप प्लीज मुझे विभू मत बुलाइए प्लीज। क्यों?
तुम्हारी दीदी नहीं बुला सकती क्या? आपने मुझे कोई प्राइवेट बात के लिए बुलाया था, बताइए क्या बात है? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। बता। मुझे ना प्यार हो गया है। किससे? तुम है? तुम्हारे पड़ोसी मनमोहन तिवारी से। तिवारी से आपको प्यार हो गया है? You deserve it. Such a lucky man he is, you know. अच्छा, बहुत अच्छा, very nice. इसी खुशी को मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। कैसे? तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। मेरे साथ डांस करके क्या फायदा हो? मैं तिवारी जी को बुलाऊं, उनके साथ कीजिए आप। तिवारी जी, वो तो मेरे होने वाले सैया हैं, उनके साथ तो मैं कभी भी डांस कर सकती हूँ। लेकिन तुमने मुझे दीदी कहा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी डांस करना चाहती हूँ। अगर ब्रदर सिस्टर वाला डांस है तो आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग एज वी डांस लाइक ब्रदर सिस्टर्स आई हैव नो प्रॉब्लम। भाई बहन के गाने पर चलाऊं गाना? हां श्योर। तस्वीर रिकॉर्ड होगी, आवाज नहीं। फिर किसको पता चलेगा कि ये गाना भाई बहन का था जिस पर मैं इस बेवकूफ आदमी के साथ डांस कर रही थी। ओए बहन बच गया।